जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? मेरे हिसाब से सही होंगे। और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपके पास एक लैपटॉप है या फिर लेने सोच रहे हो। देखो, लैपटॉप लेने से नहीं होता, उसके साथ कुछ एसेसरीज को परचेस करना होता है। अब बहुत वैसा होता है ना कि हमें कोई एसेसरीज चाहिए पर नाम नहीं पता होता, तो यहाँ पे मैं निकाल के लेके आया हूँ 25 लैपटॉप एसेसरीज। देखो, एक आम इंसान के लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारा कुछ कवर किया हूँ। ये दो पार्ट में वीडियो बनाया है, एक पार्ट आ चुका है जो कि आई बटन में आ रहा है लिंक, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे हम बात करेंगे 14 नंबर से लेकर 26 नंबर तक। और 26 नंबर पर जो गैजेट है ना, वो सभी को परचेज करना है। आपका लैपटॉप चाहे 20,000 का हो या फिर 2 लाख का या फिर 4 लाख का, आप सभी को वो परचेज करना ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 25 लैपटॉप एसेसरीज। पर उससे पहले जो भी इंसान है बोकारो से, रांची से, धनबाद से, देखो अगर आप एक लैपटॉप परचेज करना या फिर गैजेट परचेज करना या फिर मोबाइल परचेज करना है, तो आप जाके परचेज कर सकते हो मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो। मतलब आप डील बायू बोलो ना भाई, सबसे बढ़िया नाम है डील बायू, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टोर है जहां पर आपको सभी तरह की लैपटॉप मिलेगी। मतलब 20,000 से लेकर 2 लाख तक की सारी लैपटॉप है। मोबाइल्स में मतलब कोई वेरिएंट चाहिए आपको मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों से सस्ता में मिलेगा, ये सबसे बढ़िया बात है भैया का। तो वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर हम बात करते हैं 25 लैपटॉप एसेसरीज। 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 26 पे होगा खत्म, और उसके बाद एंड आपसे बात करता हूँ। नंबर 14, सैंडिस का OTG पेन ड्राइव। कितना छोटा है ये एक तरफ है टाइप ए, ठीक है, और एक तरफ है ये माइक्रो USB। ये कितना छोटा, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ अपने एक उंगली से, देखो इतना छोटा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ये 64 GB का। और अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हो मुझसे। आप मेरे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और वहाँ पे आप अपने आप को खुद से विनर बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके पार्टिसिपेट कर लो। सैंडिस का OTG पेन ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है ये छोटा सा। नंबर 15, इंटेक्स का यह है वैबकैम। आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आपके पास है एक आसूस ROG का लैपटॉप। मैं जानता हूँ कि आसूस वालों को वैबकैम नहीं मिलता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास एक डेस्कटॉप, तब भी आप इसको परचेज कर सकते हो। इससे आप इजिली जूम कॉल का अटेंड कर सकते हो। देखो, इसके अंदर फायदा क्या है, इसमें केबल्स, ठीक है, तो आप कभी भी किधर भी कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। लैपटॉप में क्या होता है ना कि वहाँ पे वो फिक्स है, और ये फिक्स नहीं है, ये केबल तरह से मतलब इधर घुमा उधर घुमा सब तरह घुमा सकते हो। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, महंगा नहीं भाई, 300 रुपये के आसपास आता है, मतलब उससे नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 16, यहाँ पे आता है USB हब, जो कि सपोर्ट करता है USB 3.0 को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर स्पीड होगा वो होगा 5 GPS का। और यहाँ पे टोटल 4 पोर्ट है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है, तो ये ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप वैसे जगह यूज़ करते हो जहाँ पे आप मल्टीपल USB ड्राइव को कनेक्ट करते हो, या फिर कीबोर्ड माउस वाइड यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये अधिकतर यूज़ होगा कैफेज में। घर में अगर यूज़ करना है, तो अगर आपके लैपटॉप में 2 ही पोर्ट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर 1 ही पोर्ट है USB 3.0 का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक बढ़िया चीज़ है, आप इसको परचेज कर सकते हो। नंबर 17, यहाँ पे है RGB कीबोर्ड, जो कि है Z-Link कंपनी तरफ से आता है ये कीबोर्ड है। बस इसका एक डिमेरिट मुझे लगा कि यहाँ पे है सिंबल में लिखा गया है इंडियन रुपीस, जो कि नहीं दिया गया। बाकी कीबोर्ड एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज सुबह से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये एकदम सही लगा, टाइपिंग के लिए एकदम सही है, और साथ ही साथ गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गेमिंग में जानते हैं माहौल चाहिए गेमिंग का, ठीक है, और IGB वो माहौल देता है। तो भैया गेमिंग के लिए बढ़िया और टाइपिंग के लिए सही तो है ही, आप इसको परचेज कर सकते हो भाई सस्ते दाम पे। देखो, जो भी लोग इसका वेट करते हैं, कॉस्मोस 7.1 का बस आने वाला, बस वेट करें थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 18 के ऊपर। देखो, अगर आपको अपने लैपटॉप को मल्टीपल मॉनिटर से कनेक्ट करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये है HDMI और ये है 2 HDMI फीबर, तो ये आपके लैपटॉप में लगेगा और उससे 2 पोर्ट निकल जाएगा HDMI का, तो आप मल्टीपल लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो भाई, मल्टीपल मॉनिटर में भी। नंबर 19, देखो यहाँ पे आता है USB 3.1 to VGA कन्वर्टर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा है, और ये टाइप सी है और ये VGA है, ये कन्वर्ट करता है टाइप सी टू VGA। देखो, यहाँ पे अभी आपको लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, पर फ्यूचर में ना ये बहुत ही काम का होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो भी लैपटॉप बनेंगे सब में होगा टाइप सी, टाइप ए नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर किसी के पास होगा एक VGA मॉनिटर, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इससे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में टाइप सी और एक पोर्ट है VGA का आपके डेस्कटॉप मॉनिटर में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नंबर 20, लैपटेक स्पीकर। ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया है, जिसका साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। मैं वैसा शख्स हूँ जो कि अधिक गाना सुनता नहीं हूँ, पर आज सुबह मैं बस बजाया, मैं बस चेक कर रहा था आपके लिए, मैं बस बजाया, उसके बाद मैं सुनते ही गया। मैं अप्रैक्स बोल सकते हो कि मैं 3-4 घंटे गाना सुना इस पे। भाई बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, जिसका प्राइस है वो अप्रैक्स 400 रुपीज़ के आसपास है।
और ये 3 वाट का दो स्पीकर, ठीक है, ड्यूल स्पीकर, ट्यूरियस स्पीकर है, 3 वाट ईच। तो ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर, आप इसको परचेज कर सकते हो। और ये फ़ोन के साथ बसता है, ये लैपटॉप के साथ, भाई बढ़िया चीज़ है, आप इसको परचेज कर सकते हो। नंबर 21, ये एक क्लीनर है जिससे आप अपना लैपटॉप साफ कर सकते हो। मैं इसको पूरा सील पैक है, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी आपको प्रोडक्ट दिखाऊँ सारे ही सील पैक थे, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको नाम कहाँ है, नाम क्या हुआ, डेरिक्स। एक काम का चीज़ है, आप इसको परचेस कर सकते हो, एक अच्छा चीज़ है ये। और ये मेरा बिल्कुल साफ हो गया, अभी आप जस्ट देख रहे ना, थोड़ी देर पहले तो आपने देखा था, तो कोई वैसा नहीं, बस तुरंत में मतलब और बढ़िया तरीके साफ़ करूँगा तो ये बढ़िया तरीके और साफ़ हो जाएगा। नंबर 22, ये है WDK केस, एक बहुत ही सॉलिड केस है, लुक्स बहुत ही बढ़िया है इसका। और इसके अंदर आप अपना जो छोटा छोटा गैजेट्स है उसको आप रख सकते हो। देखो जैसे कि मैंने रखा, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ जिसमें आप एक हार्ड डिस्क रख सकते हो यहाँ पे, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। और ये मैं बाहर निकालता हूँ, आपको एक ना बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये, ठीक है, ये केस बढ़िया, आप इसको रख सकते हो, सस्ते में आता है, आप इसको परचेज कर सकते हो। जितना छोटा छोटा सामान है ये सब भुला जाता है, ठीक है भैया, इसमें रखो, ठीक है। नंबर 23, देखो ये जो पोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप सी है और ये टाइप सी से कन्वर्ट करता है एक IJ45 में, और USB 2.0 का 3 पोर्ट है यहाँ पे। तो एक बहुत ही बढ़िया कन्वर्टर, बहुत ही यूज़फुल कन्वर्टर है, जो इसका वायर है वो भी सही भाई चले या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा आपको, तो ये भी सही है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। एक बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि टाइप सी से IJ45 मतलब कन्वर्ट होता है या फिर नहीं होता है, इससे आप कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो, एक बहुत ही यूज़फुल है ये। नंबर 24, बोट रॉकर 330, एक ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन जो कि काम करता है BT 5.0 पे। बस इसलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा पहले मैंने आपको बोला था ना कि BT 5.0 का ये एडाप्टर परचेज कर लो, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ऐसे लैपटॉप हैं जो कि सपोर्ट करता है BT 4.2 को या फिर 5.0 सपोर्टेड है। तो अगर आपके पास होता है BT 5.0, तो आप ब्लूटूथ ईयरफोन जो आपके पास है उससे आप बहुत ही ईजी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको कोई लैग नहीं होगा। और आप बोट रॉकर 330 का जो क्वालिटी है, ठीक है, इन हैंड फील है या फिर हम बात करें साउंड का जो क्वालिटी है, वो दोनों ही बढ़िया है। जो इसका प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है 1200 के आसपास, ठीक है, कभी 1200 से ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो उसी के आसपास ये फ्लक्चुएट करता है, आप इसको ही परचेज कर सकते हो। नंबर 25, या फिर आप बोलो नंबर 1 जिसका आप लोग सब वेट करते हैं, वो है यहाँ पे Cosmos 7.1 रेड गियर का एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग हेडसेट है ये। मैं इसको दिखा रहा हूँ सब से, और यहाँ पे जानते हो IGB कलर्स भी है, ठीक है, चलिए हम कहते हैं इसको ऑफ इन, आपको दिखाते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है। इसका मैं सोचा हूँ कि फुल अनबॉक्सिंग वीडियो एक लेके आऊँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है, मैं इसे कहता हूँ ऑफ इन। तो कुछ इस तरह का पैकेजिंग के साथ ये आता है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और ये है वायर्ड, ठीक है, आपके सामने देखो, हमने इसको पूरा जान लगा चुके हैं, कुछ हो गए नहीं भैया, बहुत बढ़िया है। जो इसका साउंड की जो क्वालिटी है ना वो एक नंबर है, इस पर एक डीप अनंत वीडियो बनेगा, ठीक है, ये 1-2 मिनट समझा नहीं सकता हूँ, इसके लिए एक डीप वीडियो बनेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 26 नंबर का जो आइटम है वो सभी कोई परचेज करेंगे, वो है लैपटॉप टेबल। देखो ये टेबल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, 350 रुपये के आसपास आता है, आप परचेज कर सकते हो। बेड पे बैठो, आराम से टेबल रखो, पीछे तकिया, आराम से 5-6 घंटा यूज़ का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा बैक में आपका, क्योंकि अगर टेबल बैठ के यूज़ करोगे ना तो दिक्कत होता है, पर लैपटॉप टेबल यूज़ करो, बेड पे रखो और आराम से पीछे तकिया, आराम से जानते हो मैं बोलोगे तो मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। और जैसा कि ये प्रीडेटर है तो मैं इसको रखता थोड़ा किनारे में, यहाँ पे रखता हूँ माउस पैड, उसके ऊपर रखता हूँ माउस, और आराम से गेमिंग करता हूँ, कोई हमको दिक्कत नहीं होता। और अगर हमको ठंड लगता है ना, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है भाई, रजाई ओढ़ लो, रजाई के ऊपर रखो ये, उसके बाद करो गेमिंग। तो लैपटॉप टेबल अभी के टाइम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, 350 रुपये का आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपका लैपटॉप साइज 20 होगा, मतलब 20K का हो या फिर 2 लाख का, सभी के लिए लैपटॉप टेबल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख के समझ ही चुके हैं कि अभी के टाइम में ठंड के मौसम में लैपटॉप टेबल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपने देखा 26 लैपटॉप एसेसरीज जो कि आपको परचेस करना, अगर आप एक लैपटॉप लेते हो, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप ये 26 में से मिनिमम 20+ तो परचेस करोगे ही। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, भाई पार्ट 1 देख लें, आई बटन वाला लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मनी हाइस्ट का Season 5 का Volume 2, 10.5 GB फुल HD 5.1 ऑडियो है। और यहाँ पे डाउनलोड होने जो समय लगेगा ये लगेगा 8 मिनट के आसपास, इंटरनेट की स्पीड में बढ़िया है।
अच्छा खासा स्पीड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ मनी हाइस्ट का वॉल्यूम 2। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।